नाज़रीन नाउ न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ अरीबा जिशान। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DGISI भी शरीक हुए। इजलास में मुल्की सलामती समेत अफगानिस्तान की ताज़ा सूरतेहाल पर गौर किया गया। आइंदा आम इंतखाबात 2023 में किसी भी कीमत पर पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही की जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उनका कहना था कि मुल्क में होने वाले अगले आम इंतखाबात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपना वोट जरूर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा दुबई मुलतवी हो गया। वज़ीर आज़म के बजाय अब सदर मुमलिकत दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी मसरूफियात के बाइस दुबई का दौरा मुलतवी कर दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी आर्शर मैन वफ्द के हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुँची, जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में नया सेटअप अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत काबिले एतमाद शराकत दार हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान से कहा कि वो मजीद टैक्स इकदाम करें ताकि सालाना महसूलात का हदब 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। IMF ने जाती इनकम टैक्स की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में जलजिले से मुतासर अफराद की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हरनाई में जलजिले से 20 अफराद जहाँ बाग, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। हरनाई शारक के मुतासर इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए, जबकि सैकड़ों मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। DMA हुकाम का कहना है कि हरनाई के जलजिला मुतासरीन के लिए खुराक, खेमे और कपड़े पहुँचा दिए गए हैं। मौसम सरमा से कबल गैस की किल्लत, सुई सिजन ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। SLGC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशन बंद करने का फैसला किया गया। सुई सिजन गैस कंपनी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए सिंध भर के CNG स्टेशन को गैस की फरहमी बंद रहेगी। SLGC के ऐलान के बाद अब सिंध में CNG स्टेशन 72 घंटे बाद पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 912 नए केसेस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,619 नए टेस्ट किए गए, जिनमें 912 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 26 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। रवा साल अब तक सिंध में कोंगो के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमे सिंध के मुताबिक कोंगो के 2 केसेस अगस्त और 4 केसेस सितंबर में सामने आए थे, जबकि इस साल सिंध में कोंगो से मुतासर 2 अफराद का इंतकाल हुआ। कराची और कंबर शहदाद कोर्ट के कोंगो मुतासर 4 अफराद कराची में जेर इलाज हैं। रवा माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100% से ज्याद का इजाफा हो गया। रवा साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100.62% इजाफा हुआ, जिससे तिजारती खसारा 11,66,40,00,000 तक पहुंच गया। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त कर दी। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने बताया कि तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर के मामले पर अहम राबता हुआ, जिसमें अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से तोरखम सरहद खोलने की दरख्वास्त की है। इस हवाले से आला सिफारती जराए की जानिब से भी तस्दीक की गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन एएन वाटमोर को जाते जाते भी तनकीद का सामना। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने एक बार फिर वाटमोर को आड़े हाथों लिया और कहा कि दौरे पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला इंग्लिश क्रिकेट की जग हसाई का सबब बना। एएन वाटमोर ने जुमेरात को अपने ओहदे से सुबुकदोश का ऐलान किया था।
इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी दीपक चहार ने स्टेडियम में अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की पेशकश कर दी। दीपक चहार नामी भारतीय क्रिकेटर ने मैच के इख्तिताम के बाद स्टेडियम में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की पेशकश की, जिस पर उनकी गर्लफ्रेंड ने फौरन हाँ कह दी। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आम इंतखाबात 2023 में किसी भी कीमत पर पोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए ही होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मुल्क में होने वाले अगले आम इंतखाबात में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपना वोट जरूर देंगे। ज़राए ने वज़ीर-ए-आज़म का हवाला देते हुए कहा कि आइंदा आम इंतखाबात किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए ही किए जाएंगे और गैर मुल्की पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो अगले इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में हम आहिंगी मौजूद है। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए पायदार ताल्लुकात के क़याम का ख्वाह है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी अरशरमीन वफ्द के हमरा वज़ारत ख़ारजा पहुँची, जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकई अमन से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ते नज़र में हम आहंगी मौजूद है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की मावनत और कोशिश को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में नया सेटअप अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत काबिले एतमाद शराकत दार हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मजीद टैक्स इकदाम करे ताकि सालाना महसूलात का हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। IMF का ये मुतालबा जारी वर्चुअल मुजाकरात में सामने आया, जहां रवा माली साल के दौरान 600 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी जमा नहीं की जा सकी। हुकाम का कहना था कि IMF ने जाती इनकम टैक्स की शरह में इजाफे की भी तजवीज़ दी। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसके ज़रिए इजाफी 100 अरब रुपये से 150 अरब रुपये टैक्स हासिल किया जा सकेगा। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में जलजले से मुतासर अफराद की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। हरनाई में जलजले से 20 अफराद जा बहक, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए थे। हरनाई शाहरख के मुतासर इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात मुनदिम हुए, जबकि सैकड़ों मकानात को जुजवी नुकसान पहुँचा। DMA हुकाम का कहना है कि हरनाई के जलजला मुतासरीन के लिए 150 टेंट, 150 तिरपाल, 700 कंबल और 700 मच्छरदानियाँ भिजवा दी गई हैं, जबकि PDM के मुताबिक मुतासरा 500 खानदानों के लिए फूड और नॉन फूड आइटम्स रवाना कर दिए हैं। इसके अलावा 200 खेमे और 50 बड़े टेंट्स भी हरनाई पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा दुबई मुलतवी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के बजाय अब सदर मुमलिकत दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मसरूफियात के बायस दुबई का दौरा मुलतवी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुबई एक्सपो में शिरकत करना थी, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म की जगह सदर मुमलिकत दुबई एक्सपो में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए सहर डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि वालदैन बच्चों को वैक्सीन लगवाने में हर किस हिचकिचाहट का शिकार ना हों। अपने बच्चों को ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और इसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट ना करें। कई दफ़ा वैक्सीन के बाद थोड़ा सा बुखार हो सकता है, थोड़ी सी तबीयत जो है इस तरह से हो सकती है, उस सूरत में इससे परेशान ना होइए, ये वैक्सीन का असर होता है। कई दफ़ा कुछ बच्चे कुछ बीमार भी होते हैं, बुखार भी होता है और बसा औकात कोई एक आध बच्चा थोड़ा सा बेहोश भी हो जाता है, लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड होती हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 912 नए केसेस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,619 टेस्ट किए गए, जिनमें से 912 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 26 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रिकॉर्ड की गई। रवा साल अब तक सूबे सिंध में कोंगो वायरस के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिंध में कोंगो से मुतासर 2 अफराद का इंतकाल हुआ। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोंगो के 2 केसेस अगस्त और 4 केसेस सितंबर में सामने आए थे, जबकि इस साल सिंध में कोंगो से मुतासर 2 अफराद का इंतकाल हुआ।
महकमा सेहत का बताना है कि कांगो से इंतकाल कर जाने वाले दोनों अफराद का ताल्लुक कराची के ज़िला सेंट्रल से है, जबकि रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात की जाए तो कराची के ज़िला मलीर, ज़िला गरबी, ज़िला शर्की से एक एक, जबकि लाड़काना के ज़िला कंबर शहदाद कोट से भी कांगो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। दूसरी जानब कराची और कंबर शहदाद कोट के कांगो मुतासरा चार अफराद कराची में ज़ेर इलाज हैं। मौसम सरमा से कबल ही गैस की किल्लत पैदा हो गई। सुई सदर ने सिंध में अचानक 72 घंटों के लिए CNG बंद करने का ऐलान कर दिया। SLGC की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस CNG स्टेशंस बंद करने का फैसला किया है। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से 3 दिन के लिए सिंध भर के CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। SLGC के ऐलान के बाद अब सिंध में CNG स्टेशंस 72 घंटे बाद पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। रवा माली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100% से ज़ायद का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक रवा साल के पहले 3 माह में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 100.62% इजाफा हुआ, जिससे तिजारती खसारा 11,66,40,00,000 तक पहुंच गया। रवा साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान के बरामदात 2,96,70,00,000 और इस अरसे में दरामदात 18,63,01,00,000 रही। और अब नाउ स्पोर्ट्स। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त कर दी। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान का कहना है कि पाकिस्तान सफ़र करने वाले अफगान शहरियों के लिए सर्टिफिकेट की शर्त फ़िलहाल बरकरार है, कोशिश कर रहे हैं जल्द इस मसले का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान सफ़र करने के लिए वजारत दाखिला से सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। मंसूर अहमद ख़ान ने बताया कि तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर के मामले पर अहम रबता हुआ है, जिसमें अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से तोरखम सरहद खोलने की दरख्वास्त की है। इस हवाले से आला सिफारती ज़राए की जानिब से भी तस्दीक की गई है। और अब नाउ स्पोर्ट्स। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन ईएन वॉटमोर को जाते जाते भी तनकीद का सामना है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन ने एक बार फिर वॉटमोर को आड़े हाथों लिया और कहा कि दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का फैसला इंग्लिश क्रिकेट की जग हसाई का सबब बना। एन वॉटमोर ने जुमेरात को अपने ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान किया था। वॉटमोर के कारनामों पर तबसरा करते हुए माइकल एथरटन ने एक कॉलम में उन पर शदीद तनकीद की। एथरटन ने कहा कि वॉटमोर के बारे में अंदाज़ा उस वक्त ही हो गया था जब उन्होंने दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ऐलान किया था। साबिक क्रिकेटर का कहना था कि इस एक फैसले ने इंग्लैंड को बयक वक्त मगरूर, दोहरा और कमज़ोर दिखा दिया। IPL में पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी दीपक चाहर ने स्टेडियम में अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की पेशकश कर दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी, जिसके बाद जहां पूरी टीम उदास थी, वहीं टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी टीम की नाकामी को यादगार दिन में तब्दील कर दिया। दीपक चाहर नामी भारतीय क्रिकेटर ने मैच के इख्तिताम के बाद स्टेडियम में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड को शादी की पेशकश की, जिस पर इनकी गर्लफ्रेंड ने फौरन हाँ कह दी। नज़र डालते हैं कुछ मज़ीद खबरों पर। जौहरी हथियारों से लैस अमरीकी आबदोज जनूबी बहराए चीन में हादसे का शिकार हो गई। अमरीकी बहरिया की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आबदोस USS कनेक्टिकट जनूबी बहरा चीन में बैनुल अक्वामी समंदरी हदूद में किसी शय से टकराई, ताहम आबदोस पर मौजूद अमले के किसी भी फर्द को शदीद नौयत की चोटें नहीं लगीं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हादसे के बावजूद आबदोस USS कनेक्टिकट बिल्कुल ठीक और ऑपरेशनल है, ताहम हुकाम की जानिब से ये नहीं बताया गया कि आबदोस किस चीज़ से टकराई, कहाँ टकराई और कितने अफराद जख्मी हुए। फिल्म वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट nownews.pk और nowpakistan.com। साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाउ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। हमारे साथ रहिए।